I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल सेठ टीवी पर। तो बिना मकजाए करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र है हैप्पी बिल्डर पर या थंकेबल आपने कभी भी यूज़ नहीं किया तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। ये ट्यूटोरियल नंबर 1 है। आज से मैं इसके हैप्पी बिल्डर के लिए वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें। हैप्पी बिल्डर में सबसे पहले आपने ऊपर सर्च कर लेना है happybuilder.com। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। ये पेज आने के बाद आपने बिल्ड नाउ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही बिल्ड नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और अगर पहले आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी, उससे आपने अलाउ करना पड़ेगा। वो मेरे पास आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले अलाउ किया हुआ है। तो हम जैसे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो दोस्तों इधर अगर हम नेम लिखते हैं स्पेस देकर, जैसे आप भी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अगर हम अभी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच, तो मैं स्पेस देकर करूँगा तो ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो हमें बगैर स्पेस के ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो दोस्तों इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये ओपन एक और स्क्रीन हो जाएगी। अब इसके बाद आपने इस स्क्रीन में क्या करना है, ये आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे इधर से। आप अब ये बटन वर्क इससे आप अगर आपने इसके बारे में और जानना है तो आप इधर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पर भी क्लिक करके आप इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन आप लोग खुद भी बना सकते हैं अगर आप ध्यान से वीडियो देखें। और ब्लॉग्स वगैरह अभी हम डिज़ाइनर पेज पे हैं तो हम डिज़ाइनर पेज पे सारा वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद हम एक लेंगे बटन। बटन लेने के बाद हमें क्योंकि एप्लीकेशन बनानी है टेक्स्ट टू स्पीच वाली, तो दोस्तों ये दो चीज़ें ले ली हमने। अब टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट साइज हम कर देंगे 24 ताकि अच्छा लुक आए। और दोस्तों इसके बाद हम नीचे आएंगे, इसको हटा दिएगा हिडन फॉर टेक्स्ट बॉक्स। तो ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, बटन पे आएंगे। बटन का हमने फॉन्ट साइज ले लेना है 20 ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो दोस्तों अब हमें इसे करना है सेंटर में क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, बीच में बिल्कुल ऊपर आएगा। तो इसके लिए हमें ताकि हमारा इंटरफेस अच्छा लगे, हमारा लुक अच्छा लगे, हमें हॉरिजॉन्टल को सेंटर पर कर देना है और अलाइन वर्टिकल को भी सेंटर पर कर देना। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक अच्छे से लुक में आ चुकी है एप्लीकेशन। अब इसके बाद आपने यूज़र इंटरफेस को बंद करना है और आपने जाना है मीडिया में। मीडिया में आप जाएंगे और यहाँ से आपने ले लेना है टेक्स्ट टू स्पीच। ये नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स होता है यानी ये स्क्रीन पर शो नहीं करता लेकिन ये काम करता है पीछे। तो दोस्तों इसके लिए हमारा डिज़ाइनर वर्क हो गया है। अगर आपने ये स्क्रीन ऊपर ये स्क्रीन वन लिखा हुआ है, इसका भी नेम चेंज करना है तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से करते हैं। अब हमें कलर भी चेंज करना है, इसका कलर हम इस पर ले लेते हैं येलो और इधर हम लिख देते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, अब आप देखें इधर टेक्स्ट टू स्पीच आ गया है। आप इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब हम जाएंगे, हमारा डिज़ाइनर पेज पर वर्क सारा हो चुका है। अब हमें जाना है ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है चीज़ें क्योंकि सारा जो वर्क करता है, जैसे बटन वन क्लिक करे तो ये वर्क करे, तो वो सारा वर्क इधर होता है ब्लॉक्स पर। दोस्तों सबसे पहले आपने बटन वन पर क्लिक करना है। इसके सारे अपने ब्लॉक्स होते हैं, हर उसके कॉम्पोनेंट के अपने ब्लॉक्स होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अपने ब्लॉक्स हैं, बटन के अपने ब्लॉक्स हैं और टेक्स्ट टू स्पीच के भी अपने ब्लॉक्स हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं व्हेन बटन वन क्लिक टू कॉल, जैसे ही बटन वन क्लिक करें यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला बटन क्लिक हेयर वाला क्लिक हो तो जो भी टाइप हुआ हो वो ये मोबाइल बोले। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स का हम इधर ढूंढ लेंगे ब्लॉक ऐसा कि टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट स्पीच हो, स्पीच मैसेज देख रहे हैं आप, स्पीच मैसेज। तो ठीक है, ये हो गया। अब हमें सीधा जाना है मोबाइल में ताकि हम इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को हैप्पी बिल्डर का, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर में जाके हैप्पी बिल्डर का कंपेनियन, गोल्ड कंपेनियन के नाम से होगा, वो डाउनलोड करना है। वो आप प्ले स्टोर में जाके कर लीजिएगा और आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे
तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, और इसके बाद हमने कनेक्ट करना है और लैब टेस्टिंग करनी है। लैब टेस्टिंग के बाद हमने स्कैन क्यूआर कोड करना है। स्कैन क्यूआर कोड दोस्तों, ये स्कैन हो गया है, ये लैब टेस्टिंग पे जाएगा। अब देखिए हमारा बिल्कुल ये लुक आ गया है। अब इधर हम जो भी लिखे हैं, हाय हाउ आर यू, तो दोस्तों जैसे ही टेक्स्ट फॉर बटन वन पर क्लिक करेंगे, Hi, how are you? Hi, how are you? आप सुन सकते हैं कि ये हमारा मोबाइल बोलेगा। अब अगर आपको टेक्स्ट फॉर बटन वन को भी इस बटन को चेंज करना है, तो आप जाएंगे डिजाइनर में, इधर लिख देंगे क्लिक फॉर स्पीच, तो ये बटन भी चेंज हो चुका है। अब इधर भी देख लें, ये बटन चेंज हो गया है। तो दोस्तों इधर से आप सीख सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।